टप्पू के पापा का काम कर देती हूँ। नटू काका है उसके पहले डिब्बा तैयार। अरे यहाँ तो डिब्बा नहीं है, यहाँ पर हो सकता है। मिल गया। टप्पू के पापा फंड में कीमती कीमती बोल रहे थे, देखो तो सही क्या है। का नाम लेके कर ही देती हूँ। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा ये डिब्बे में तो गहने हैं। हाँ भाई पता है, इसलिए तो तुझे बोला कि नटू काका है तो संभाल के दे देना। तो आपको ये गहने कहाँ से मिले? मिले नहीं, किसी पार्टी के वो गहने मेरे पास गिरवी रख के कुछ रोकड़ा लेके गई है पार्टी। कौन सी पार्टी? ओ मैं नहीं जानता, बागा की कोई पार्टी है। अरे भाई तुझे ये कैसे पंचाते है? बोला उतना करने, नटू काका है तो उनको संभाल के थैली दे देना बस। हाँ हाँ दे दूंगी। टप्पू के पापा को भी पता नहीं है कि ये गहने सुंदर वीरा ने दिए है। बागा भाई ने ये गहने टप्पू के पापा को दिए हैं। मतलब बागा भाई को पता होगा। मैं बागा भाई को फाइन करती हूँ। किसका फोन है? पार्टी का फोन है? बागा। हाँ सेठ जी। जा जल्दी बाहर जाके बात कर। थैंक यू। अरे दौड़। दौड़ ही तो रहा हूँ। हाँ सेठानी जी बोलिए। बागा भाई टप्पू के पापा दुकान से जो गहने लाए थे वो आपने दिए थे? हाँ सेठानी जी, सुंदर भैया ने मुझे दिए, मैंने सेठ जी को दिए और सेठ जी ने आपको दिए। मतलब बागा भाई को भी पता नहीं है कि ये गहने मेरे हैं। अच्छा बागा भाई, सुंदर वीरा ने आपको गहने दिए वो बात टप्पू के पापा को पता है? नहीं सेठानी जी, यही तो सुंदर भाई की खानदानी है। मेरे लाख कहने पर भी उन्होंने मुझे ये बात सेठ जी को कहने नहीं दी। उन्होंने मुझसे कहा बागा अगर ये बात जीजा जी को पता चली तो वो मुझसे ब्याज नहीं लेंगे, जीजा साले और बहना के रिश्ते में खटास आ जाएगी।
हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए सेठानी जी, ये गहने सुंदर भैया ने सेठ जी को दिए होंगे, ये बात आपको कैसे पता चली? मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी गहने वीरा ने टप्पू के पापा के पास ही गिरवी रखे थे। वीरा क्या किया तूने? ये टप्पू के पापा को बंधु बनाया, टप्पू के पापा को पता चलेगा तो मैं उनसे नजर कैसे मिला पाऊंगी? वीरा ये तूने क्या किया, क्या किया वीरा? अभी भी फोन बंद ही आ रहा है। हाँ बागा, क्या बोला पार्टी ने? सेठ जी पार्टी 4 बजे नहीं आएगी। क्या मतलब? आएगी लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट होगा उसका वादा नहीं चलेगा, लेकिन कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने रमणीक भाई को आज ही 50 LCD का पेमेंट करने का वादा किया है, तो मुझे किसी भी हालत में वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जेठालाल की जबान की करोड़ों की कीमत है, उसको मैं तेरी पार्टी की वजह से कोड़ी की नहीं कर सकता। यस बागा, सेठ जी को ये करोड़ों की इज्जत कमाने में बरसों लग गए हैं। थैंक यू नोटो काका। बागा तेरी पार्टी अगर आज आ गई तो गहने उनको दे दूंगा, अगर नहीं आई तो मैं गहने बेच दूंगा। नहीं सेठ जी, अगर आप गहने बेच दोगे तो मैं पार्टी को क्या जवाब दूंगा? बागा ब्याज का धंधा जबान पे ही चलता है, और अपना वादा तो कल का था। ये ब्याज का धंधा के लिए मैं अपना मेन धंधा नहीं बिगाड़ सकता, क्यों नोटू काका? राइट सर। बागा टाइम इज मनी, जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता। सेठ जी आप एक दिन आगे नहीं कर सकते? अरे भाई तू अभी बोल रहा था पार्टी को आने में लेट होगा, अभी बोल रहा है एक दिन आगे नहीं कर सकते? तू मुझे सच सच बता, तेरी पार्टी आज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सेठ जी, लेकिन थोड़ा लेट होगा। नटू काका आप एक काम करो, आप घर जाओ और गहने लेके आओ। जी सेठ जी। सेठ जी मैं जाकर गहने ले आऊं? क्यों नटू काका जाए, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो लेकिन ऐसी गर्मी में वापस कहाँ चल के जाएंगे? चल के नहीं जाएंगे भाई, रिक्शा में जाएंगे, रिक्शा में जाना। हाँ बस ठीक है, फिर भी पहले पार्टी को तो आने दीजिए, फिर नटू काका को घर पे भेजना। बागा व्हाई डू यू वेस्टिंग टाइम, तेरी पार्टी आ जाएगी ना तो सेठ जी गहने उसे दे देंगे, और पार्टी नहीं आई तो सेठ जी गहने बेच देंगे। थैंक यू नटू काका। सेठ जी मैं चलता हूँ। आप रिक्शा में ही आना, कीमती गहने होंगे आपके पास। हाँ। जाइए। बागा तू एक मस्त मसाला चाय बोल जा। जी ये सुंदर भाई फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अगर आज सुंदर भाई नहीं आए तो सेठ जी गहने जरूर बेच देंगे। सेठ जी को किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। क्या करूं? सेठानी जी को पता है कि ये गहने सुंदर भाई के हैं, उनको फोन करता हूं। हाँ सेठानी जी बाघा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए बाघा भाई। नटू काका अभी घर पर गहने का डिब्बा लेने आ रहे हैं। हाँ, वो पता है मुझे, लेकिन सुंदर वीरा पैसे लेकर निकल गया है। वो तो पता नहीं, लेकिन अगर आज सुंदर भैया पैसे लेकर नहीं आए तो सेठ जी आज गहने जरूर बेच देंगे। सुंदर वीरा पैसे लाएगा कहाँ से? और वीरा बहने तो उसे आज
बाप रे। एक काम कीजिए सेठानी जी, आप नट्टू काका को गहने का डिब्बा देना ही मत। नहीं नहीं बागा भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकती। बागा भाई प्लीज आप ही कुछ कीजिए ना। सेठानी जी, सुंदर भाई ने मुझे सेठ जी को बताने से मना किया है, लेकिन आप तो सेठ जी को बता सकती हैं ना कि ये गहने सुंदर भाई के हैं। टप्पू के पापा। सेठानी जी ने भी काट दिया। बागा बॉय, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर गहने बिक गए तो वीरा, तेरी ये बहनें तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इस घर में कभी कदम नहीं रखने दूंगी मैं। क्या करूं? एक तो सुंदर वीरा ने चैटिंग की और ऊपर से उसका फोन भी बंद है, और दूसरी तरफ टप्पू के पापा को पैसे नहीं मिले तो वो ये गहने बेच देंगे, और अगर ये माँ के गहने बिक गए तो मैं टप्पू के पापा की माफी मांगने के लायक भी नहीं रहूंगी। क्या करूं? एक बार फोन करके समझाने की कोशिश तो करती हूँ, देखती हूँ। हाँ बोल दे, नट्टू काका पहुंच गए? नहीं, नट्टू काका तो नहीं आए। वैसे अब ये गहनों का क्या करोगे? ओ, जिसके गहने वो पार्टी आई तो उनको वापस दे दूंगा, और अगर नहीं आई तो ज्वेलर को बुला के बेच दूंगा। बहुत अच्छे गहने हैं, किसी ने कितने अरमान से बनाए होंगे। अब किसी के अरमान को बेच दोगे? तू तो ऐसा बोल रही जैसे तेरी माँ ने यह गहने तेरे लिए बनाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर क्या है कि ये कंगन, हार, ये सब कितने अच्छे हैं। स्त्री का स्वभाव। देख दया, तुझे ये गहनों की डिजाइन पसंद आ गई है तो कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसे ही सेम टू सेम दूसरे गहने बनवा दूंगा, ठीक है? टप्पू के पापा, यही गहने हम रख ले तो प्लीज। अरे बेवकूफ जैसी बात मत कर दे, बोला उतना कर। नट्टू काका आए तो उनको ये गहने दे देना। ठीक है। टप्पू के पापा को कैसे समझाओ कि ये गहने ना बेचे? ये मेरी माँ के गहने हैं। सेठानी जी आई आई आई। सेठानी जी आई आई। नट्टू काका आई आई है, बैठिए। सेठानी जी, मैं बहुत जल्दी में हूँ, सेठ जी ने वो गहने मंगाए हैं। हाँ देती हूँ। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। क्या हुआ, क्या हुआ? सेठ जी गोडाउन में। क्या हुआ गोडाउन में? मुझे झपकी लग गई थी और मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। मैंने देखा नट्टू काका रिक्शा में गहने लेकर आ रहे थे और अचानक चार लोगों ने उनकी रिक्शा रोक दी। नट्टू काका को धमका कर, उनसे गहने छीन कर वही रिक्शा में बैठ कर भाग गए। कैसा सपना देखता है तू भाई? और दोपहर को कोई सपना देखता है? देखता है ना सेठ जी। कौन देखता है? मैं देखता हूँ। और सेठ जी, मेरे दोपहर के सपने सच होते हैं। धत, कुछ भी मत बोल। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ सेठ जी, सच बोल रहा हूँ। अरे
ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है नहीं सेठ जी, ऐसा हुआ है। मेरे दोपहर के सपने हमेशा सच हुए हैं। खैर, मैंने आपको चेतावनी दे दी, अब मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अरे बाप रे, इसने तो मुझे डरा दिया। कहीं ये सपना सच में सच हो गया तो? नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं रमणीक भाई को आज पेमेंट नहीं दे पाया तो मार्केट में मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। और बाघा की पार्टी 6 लाख रुपए लेके आ गई तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा? वो तो अपने 8 लाख के गहने वापस मांगेगी ही ना। नट्टू काका को फोन करता हूँ। सेठानी जी, सेठानी जी, लीजिए। अच्छा चलता हूँ। हाँ सेठ जी बोलिए। हाँ नटू काका, कहाँ हो आप? सेठानी जी से गहने लेकर निकल रहा हूँ। एक काम करो, वो गहने दया को वापस दे दो। हाँ क्यों? अरे भाई बोला उतना करो ना, दे दो वापस। अच्छा सेठ जी। हाँ सेठानी जी, ये लीजिए गहने, रख लीजिए। क्यों? सेठ जी ने मना किया। थैंक यू नीटू काका। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय नीटू काका। बाय। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने मेरी बात मान ली। मेरे गहने, थैंक यू। हाश, लगता है मैं सेठ जी को कल तक संभाल लूंगा। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं तेरी पार्टी को घर ले जाकर उधर ही गहने दे दूंगा। और अगर नहीं आई तो? नहीं मतलब पार्टी आएगी लेकिन आते आते लेट हो गया या ट्रैफिक में और लेट हो गया तो भी उसको बोलना कि डायरेक्ट मेरे घर पर ही है, मैं गहने उधर ही दे दूंगा। और अगर नहीं आई तो मैं दीपक भाई ज्वेलर को घर पे बुला लूंगा और गहने वहीं बेच दूंगा, क्योंकि रमणीक भाई भी पैसे लेने तो घर पर ही आ रहे हैं ना। बराबर, ये अच्छा बैठ गया। थैंक यू बागा, अच्छा सपना देखा तूने भाई। मित्रों, शिकारी जेठालाल ने जाल बिछा के खुद को शिकार बनाने के हालात पैदा कर लिए। अब लगता है कि गड़ा सर्कस के रोमांचक खेल देखने को मिलेंगे। भाई दया भाभी के हालात इस वक्त बहुत ऊंचाई पे बंधी हुई रस्सी पे चलते हुए करतबबाज की तरह हैं, जिसे अपना बैलेंस बनाना पड़ता है। अब देखते हैं वो बैलेंस कैसे बनाती है। और जेठालाल और बाघा हवा में एक दूसरे के सहारे रोमांचक करतब दिखाते हुए उन कलाबाजों की तरह है जिसमें से कोई कब किसका साथ छोड़ दे, ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। और सुंदर लाल उस रिंग मास्टर की तरह है जिन्होंने हालात नाम के शेर को जेठालाल बाघा और दया भाभी के समक्ष छोड़ दिया। अब देखना यह है कि इस शेर से लड़ता कौन है। यानी कि स्थिति बड़ी मजेदार है, रोमांचक है, विकट भी है और इसमें बहुत सारे मोड़ आने की संभावनाएं भी है, लेकिन हर मोड़ पे होंगे आपके लिए ठाके ही ठाके। सोमवार के एपिसोड में होगी बहुत उत्तेजना और बहुत रोमांच, ऐसा ही रोमांच जैसे किसी क्रिकेट मैच में आखिरी बॉल पे 4 रन बनाने हो, क्या हालात होते हैं। उससे कहीं बड़के होंगे यहां ऐसे ही हालात, ठाके हंसी मुस्कुराहट आपके लिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.